अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने युग के महान दानवीर कहे जाने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति व राजनीतिक तथा महान समाज सेवी नरेश मलिक का 26 दिसंबर को निधन हो गया। उनके प्रशंसकों व राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि भाजपा के हसनगढ़ से पहले विधायक रहे नरेश मलिक ने पहली बार जाटलैंड में भाजपा का कमल खिलाया था। करीब 53 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाले नरेश मलिक ने 1991 में 26 साल की उम्र में ही राजनीतिक में कदम रखते हुए गांव की सरपंच अपने नाम की थी। तभी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और राजनीति की शुरुआत भी ऐसी की कि विपक्षी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते थे। अपने समय में दानवीर कहे जाने वाले नरेश मलिक ने समाज सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेश मलिक अपने समय में एक अच्छे राजनेता व बेहतरीन उद्योगपति रहे। 1991 में उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा, दुर्भाग्यवश वह चुनाव हार गए, लेकिन अपनी शालीनता व छवि के कारण फिर भी उनका जनता में विश्वास बना रहा। इसके बाद उन्होंने 2004 में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा और विपक्षियों को पानी देते हुए कांग्रेस के गढ़ में कमल का फूल खिला दिया। उस दौरान भाजपा के महज 2 ही विधायक बने थे। आपको बता दें कि नरेश मलिक के द्वार पर जो भी फरियादी जाता था वह उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनके परिजनों ने ही बताया है कि वे दानवीर यूं ही नहीं कहाए। एक बार उन्होंने जाट संस्था के एक कार्यक्रम में खाली चेक संस्था को थमा दिया और बोले कि आपको जो भी इसमें राशि भरनी है वह भर ले। तभी से उनको दानवीर की उपाधि मिली और उन्हें दानवीर कहा जाने लगा। गौरतलब है कि नरेश मलिक के बारे में कोई विपक्षी कभी भी गलत नहीं बोलता और ना ही उनकी आलोचना की जाती है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 26 दिसंबर 2018 को भगवान ने उन्हें याद किया और वह भगवान को प्यारे हो गए। जैसे ही यह बात राजनीतिक गलियारों में फैली तो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छा गई। जिसने भी यह बात सुनी वह तुरंत नरेश मलिक के आवास की ओर रवाना हो गया। वहीं उनके प्रशंसकों में भी शोक की लहर दौड़ गई। प्रशंसकों का कहना है कि नरेश मलिक जैसा दानवीर आज तक हुआ ही नहीं। नरेश मलिक ने 2005 में भी इंडियन नेशनल लोकदल के चक्रवर्ती शर्मा को 10,000 वोटों से हराया था। 6 जनवरी 2019 को नरेश मलिक के रस्म की क्रिया होनी है। इस मौके पर हर न्यूज के दिवंगत नरेश मलिक को श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे।